जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो है कुछ सालों पहले जो है गूगल ने जो है एक फीचर लॉन्च किया था जो है ऐड मी टू सर्च, बट वह फ्यूचर जो है अब हम लोगों को जो है गूगल पर देखने को नहीं मिलता। यदि हम लोग गूगल पर जाते हैं एंड वहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं ऐड मी टू सर्च, तो वहाँ पे ऑप्शन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तरह तरह के आर्टिकल आ जाएंगे, तरह तरह के वेबसाइट आ जाएंगे, बट जो हम लोगों को चाहिए वो जो है चीज़ देखने को नहीं मिलता है। सो आज के इस वीडियो में जो है उसी प्रॉब्लम को जो है मैं फिक्स करने वाला हूँ। सो आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। आप गूगल क्रोम में जाएंगे या फिर जो है गूगल के एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे ऐड मी टू सर्च, तो आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा जिससे आप जो है अपना अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो है आपको अपना एक नया ईमेल आईडी बनाना है। जी हाँ, नए ईमेल आईडी बनाने के बाद जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो देखिए हमने नए ईमेल आईडी पे जंप जैसे ही किया, उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं ऐड योर सेल्फ टू गूगल सर्च, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे जो है हम अपने प्रोफाइल को जो है अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी हमारे नाम को सर्च करेगा गूगल पर, तो उसके बाद हमारा नाम जो है गूगल पे देखने को मिलेगा और फोटो भी देखने को मिलेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था आज के इस चलचित्र में। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। नेटेक से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।